स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन तारामंडल स्थित राजकीय बौद्ध संग्रहालय में किया गया। इस दौरान आजादी के अमर शहीदों को नमन किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी समारोह के अंतर्गत संग्राम के शहीदों की याद में प्रदर्शनी लगाया गया है। प्रदर्शनी में 1857 की क्रांति, चौरी चौरा की घटना, काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित ऐतिहासिक अभिलेख प्रदर्शित किया गया, जिसके संबंध में बौद्ध संग्रहालय के उपनिदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम ने बताया कि इस प्रदर्शनी में वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित अभिलेखों में बैरकपुर से मंगल पांडे का विद्रोह तथा 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले नेटिव ट्रूप का विवरण, मेरठ में विद्रोह का छायाचित्र, मेरठ के सैनिकों का दिल्ली कूच, कुंवर सिंह की मृत्यु संबंधित टेलीग्राम व छायाचित्र, रण क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई का नेतृत्व, रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति संबंधित टेलीग्राम प्रमुख हैं। वहीं चौरी चौरा घटना की रिपोर्ट जिला सत्र न्यायालय द्वारा चौरी चौरा केस में 225 लोगों के आरोपित व्यक्तियों की सूची, इस केस में आजीवन कारावास की सजा पाए गए क्रांतिकारियों का विवरण एवं कोर्ट में पेशी के समय का सामूहिक छायाचित्र उल्लेखनीय है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उपनिदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम ने कहा, डॉक्टर मनोज कुमार गौतम, उपनिदेशक राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर। सर, यहाँ पे किस तरह की प्रदर्शनी लगाई है?
देखें, ये प्रदर्शनी राजकीय भवन संग्रहालय गोरखपुर और राजकीय अभिलेखागार लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी समारोह के अंतर्गत ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो 1857 से लेकर के 1947 तक के इतिहास को इसमें दिखाया गया है। पहले प्रदर्शनी में आप देखेंगे तो मेरठ की क्रांति को दिखाया गया है कि मेरठ की क्रांति जब 10 मई 1857 को शुरू हुई थी तो उस क्रम से शुरू किया गया है, और इसमें रानी झांसी को दिखाया गया है, तात्या टोपे को दिखाया गया है, बाबू कुंवर सिंह को दिखाया गया है, इसी तरह से झांसी का किला भी दिखाया गया है। उस समय तात्या टोपे के लिए जो इश्तेहार निकाला गया था उसको भी दिखाया गया है, अजीमुल्ला खान साहब को बने दिखाया गया है, तात्या नाना साहब को दिखाया गया है। फिर इसी तरह से आप देखेंगे तो इसमें जो हमारा काकोरी की घटना है, काकोरी की घटना में कितने लोगों को सजा हुई उसको एक पूरी सूची दी गई है, उसमें कितना सरकारी रकम उस समय जब ट्रेन की घटना हुई थी तो मैंने बरामद हुआ था उस धनराशि को भी दिखाया गया, 4000 समथिंग रुपया था उसमें। इसी तरह से करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी दिखाया गया है, रोशन सिंह लाहड़ी की फांसी को दिखाया गया है, और शहीद भगत सिंह की भी फांसी का दिखाया गया है। इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के वारंट्स जो निकाले गए थे, कोर्ट की सज़ा का जो मैंने फांसी की सज़ा का जो कोर्ट ने आदेश पारित किया था, इस तरह से अभिलेखीय चीज़ों को भी इसमें स्थान दिया गया है, जो दर्शक हमारे इस स्वतंत्रता संग्राम की गाथा को, इस बलिदान को, हम शहीदों के बलिदान को अभिलेखों के माध्यम से जान सकेंगे।